प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम आइज़ैक न्यूटन है। बच्चों, मैं एक साइंटिस्ट भी था। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास वन की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर थ्री में ऑर्डर ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड मिसिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस क्लास में हम नंबर वन फॉरवर्ड काउंटिंग, नंबर टू बैकवर्ड काउंटिंग, नंबर थ्री मिसिंग नंबर्स, नंबर फोर कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, नंबर फाइव कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर सिक्स ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चले बच्चों, अब हम एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए पढ़ते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अगेन वन टू Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, nine, ten. Again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, uh-oh,
और अब हम अपनी किताब की मशक को देखते हैं। उल्टी गिनती, ऊपर से शुरू करें, चीजों की तादाद गिनें और डब्बे में नंबर लिखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और अब हम किताब में पिछला, अगला और दरमियान वाले नंबर के बारे में पढ़ेंगे। दी गई खाली जगह पर अगला नंबर लिखें। 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7। दी गई खाली जगह पर पिछला नंबर लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 3, 4, 5। दी गई खाली जगह पर दरमियान वाला नंबर लिखें। 7, 8, 9, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7। चलिए बच्चों, अब हम कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। चीजों का मवाजना, जिस डब्बे में ज्यादा चीजें हैं उसके गिर्द दायरा लगाएं। नंबरों का मवाजना, बड़े नंबर के गिर्द दायरा लगाएं। 5, 9, 6, 9, 5, 4, 9, 7, 8। छोटे नंबरों के गिर्द दायरा लगाएं। 1, 4, 2, 4, 2, 3, 7, 6, 7। अब हम अपनी किताब में ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबरों की तरतीब, सीधी गिनती करते हुए नंबर लिखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उल्टी गिनती करते हुए नंबर लिखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। नंबरों की तरतीब, दिए गए नंबरों को छोटे से बड़े में तरतीब दें। 1, 3, 5, 5, 6, 9, 2, 4, 7। दिए गए नंबरों को बड़े से छोटे में तरतीब दें। 4, 2, 1, 9, 8, 3, 7, 6, 5। चलें बच्चों, अब तक हमने जो भी किताब की मशक में पढ़ा है उसका जायजा लेते हैं। सीधी गिनती करें और खाली जगह पुर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उल्टी गिनती करें और खाली जगह पुर करें। 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4। खाली जगह पुर करें। पिछला नंबर 4, 5, 6, 7। दरमियान वाला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगला नंबर 6, 7, 8, 9। उम्मीद है कि बच्चों आप सबको इस सबक में ऑर्डर ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड मिसिंग नंबर्स में फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, मिसिंग नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंपेयरिंग नंबर्स और ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में सही से समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप ख़ुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।